सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवित्तवरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सच्चिदानन्दरूपाय सच्चिदानन्दरूपाय भक्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय तापत्रयविनाशाय कृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। व्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव इति तन्मयतया तरभुविमेदुः पुत्रेति तन्मयतया तरभुविमेदुः भूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तरुर्गलितं फलं सुखमुखा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखा संयुतम् अमृतद्रवसंयुतम् भागवतं रसमालयं मुहुरहो पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो। भुवि भावुकाः रसिका भुवि भावुकाः जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविन्द जय जय राधारमण हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविन्द जय जय राधारमण हरि गोविन्द जय जय वृंदावन बिहारीलाल की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यास जी भगवान की जय। शिव जी महाराज की जय। गुरुनाथ महाराज की जय। सब भक्त मंडल की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोल आनंद एक बार हरी बोल हरी बोल। आज होची कार्तिक पूर्णिमा बोईत बंदार एवं आज रो महत्व विशेष करके उड़ीसा रे बहुत पारादीप रूपजुग सब बंदर अच्छी कटक रे बहुत सुंदर रूप रे बाली यात्रा पड़िया रे नदी रे सब करा जाए। आज रे पवित्र दिवस स्पेशली मां मन को पई पूजा करंती मां माने नदी कुल को जाते देखो तो नदी सहित तो प्रकृति सहित तो केमती संपर्क आम हिंदू धर्म प्रत्येक धर्म किसी ना कि रही तेणु आज पवित्र दिवस रे ठीक साढ़े सतटा बेले बंद कर ठीक आज भाव शुणी
डायरेक्ट आम प्रारंभ कर दौंट भागवत प्रथम स्कंद आपण मानक पीडीएफ रे पठागला मोर तीन ग्रुप रे भगवान पंडा पठाई भुवनेश्वर जन लिंगराज से पठाऊँ जहाँ भल कले पाखर ना ही देखिपर मोबाइल रे जेरस करदे पारे भागवत प्रथम स्कंद उन्नीसटा अध्याय अच्छे आज आम कोशिश करवा प्रथम स्कंद कारण एत दिन जो सतर अठर दिन मुझे एत भूमिका दरकार पड़बनी सुत महाराज हूँ भागवत लास्ट प्रवक्ता तो सीए प्रथम प्रणाम कर तो भागवत जो प्रथम स्कंद जो मैंने पीडीएफ को देखुं सेटारे जी संकलन करोटे मंगलाचरण देखा छाड़ दिं कारण गीता प्रेस गौरव से लोक कन्फ्यूजन है देखिए सत आठटा पर श्लोक पर प्रथम स्कंदर प्रथम अध्याय लिखाई जन्माद्यस्य यतः आपको बहुत कठिन श्लोक टे या ये गोटे श्लोक ही पांच छह दिन नि वक्ता मान अखंडानंद जी महाराज कि समय अभाव जो आर भावार्थ देखा जन्माद्यस्य यतः अन्वयादितरतः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्तिष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा सदा निरस्तकुहकम् धाम्नास्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि बहुत ही सुंदर मंगलाचरण भागवत ता पूर्वरु मु खाली कहितली भागवत बारटा जो स्कंद अछि ए बारटा स्कंद र भगवान कृष्ण को सहित केमिति रूप करेबे शोभन के भगवान कृष्ण को मूर्ति टक आनी परिबो कि जोता तमे से दिन आनिथिलो हां गुट मिनट से जो करथिलो फुलो भी जोटा पडुछि हां गुट मिनट से बहुत ही सुंदर भागवत रो जो बारटा स्कंद सेटा को कृष्ण रूप से देखिपर पादद्वयम् प्रथमं द्वितीयं च तृतीयं च गुह्यं चतुर्थकट्यं नाभौ तथा पंचमं हृदयं च षष्ठं बाहुद्वयं सप्तमं अष्टमं च कंठस्थु राजन् नवमं स्थथन्ने मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्ले एकादशं चक्षुललाटपटले द्वादश शिरोमेति विभाति एवं श्रीकृष्णनाथस्य भागवतं स्वरूपं च येन पुंसां स्मरेन् नित्यं भक्तिं मुक्तिं विन्देत च भगवान कृष्णं को देखंतु वर्तमान एटिक रखो आउरी दि मिनट पर मुझे तो कहिबी तमे हटेयो आपको बुझे तो रख बर्तमान भगवान कृष्ण पाद दीटा को देखते पाद दीटा हूँ भागवत प्रथम और द्वितीय स्कंद भागवत प्रथम द्वितीय स्कंद तृतीय स्कंद हूँ गुह्य शोभन आप नहीं आस गुह्य प्रदेश जो गुह्य प्रदेश सी हूँ तृतीय स्कंद चतुर्थ स्कंद हूँ कटी ये जो कटी बंध कटी अंटा कहती भगवान कृष्ण को रूप को देखिए भगवान कृष्ण रूप सहित भागवत केमती कारण भगवान कृष्ण ही तो भागवत प्रवेश करी गले ना
क्वेश्चन आसो नाभि हूँ पंचम जो भगवान नाभि से हूँ पंचम हृदय षष्ठम ये जो भगवान कर जो हृदय ना दिल से हूँ षष्ठ आ जो षष्ठ स्कंदर जो विषय मध्य जोड़ा बाहुद्वयम सप्तम अष्टम च ये जो भगवान को जो बाहु अच्छी बर्तमान तो सुंदर मुरली धरचने तो दीटा बाहु हूँ सप्तम और अष्टम कंठ भगवान का जो कंठ ना से हूँ नवम मुखार सुंदर रूप सब सुंदर स्मित हास्य जन माँ जन कहले अरे तू डीपी रे तू फोटो रखिल कहीं जानी कथा राधा बड़ा सुंदर कथा कहते स्वामीजी सब तो सुंदरी हूँ माँ ना माँ को रखिला मैंने कहार भी भाव आस मोर रखिला मैंने किए राग करे किए द्वेष करे किए घृणा करे माँ को तो कर भावना निश्चय आसमती भगवान कृष्ण जो भाव से भाव रूप जो मुखार विंद ये हूँ दशम स्कंद आहा सुंदर आखि देखते तो हूँ एकादश स्कंद आज मयूर पिंच पिंधि मुकुट लगे द्वादश स्कंद यहपरी भाव में भागवत द्वादश स्कंद सहित कृष्ण जो संबंध जी एमती अनुभव कर जानव से भक्ति मुक्ति पाइब आ गोटे कौटे गोटे श्लोक जोटा कि आपड़िया भागवत मान भागवत उड़िया प्रिंटिंग रखे स्टार्टिंग हि अच्छे सूची पर गोटे श्लोक पाद तु प्रथम स्कंद द्वितीय जानु निश्चित द्वितीय स्कंद को जानु कहगला एवं जो श्लोक टी गई प्रथम और द्वितीय हि पाद कि पाद आ जानु तृतीय शक्ति ना ज्ञेय चतुर्थ कटी तृतीय गुह्य अच्छी नाभिच पंचम हृदय षष्ठ ठीक अच्छी सप्तम को उरु करा गला और अष्टम को कंठ करा दिया गला और नवम स्कंद अच्छी और दशम मुखारविंदम कर्ण नासिका युक्तम सर्वार्थ मुखारविंद कान नाक सब मिसेगी और एकादश उत्तुंग मांगम सुंदर रूप जो उत्तुंग मांगम रिली चक्षु द्वादश ब्रह्मरंध्रक शिरोमेति न कर ब्रह्मरंध्रक भाव पर ये शोभन फटे दिए तेणु से जो श्रीमद भागवत सुंदर रूप कृष्ण स्वरूप बर्तन आम ये श्लोक टी अच्छी वर्णन देखा जन्माद्यस्य यतः ये जन्माद्यस्य यतः यदि श्लोक जीवा ताहाले गोटे ब्रह्म सूत्र गोटे सूत्र अच्छी जन्माद्यस्य यतः से भगवान वेद व्यास ताने ये जो मंगलाचरण हूँ श्रुति एवं सूत्रात्मक श्रुति माने उपनिषद उपनिषद केमती अच्छी यतो इमानि भूतानि जायन्ति ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त विषम विषन्ति इति तैत्रोपनिषद जी मोर काली प्रवचन शुणिथिबे चारु पांच बर्तन मु यूट्यूब रे भी दे सारलेणी सेटा काली ए टॉपिक थला तैत्रोपनिषद रे तीनोटी बल्ली अच्छी बल्ली माने ब्रांच ट्रंक भृगुवली ब्रह्मानंद बलि दिटा जाक हेई बर्तन ए सॉरी शिक्षा बलि ब्रह्मानंद बलि बर्तन भृगु बलि आरंभ हला भृगु बलि रे भृगुर वै वारुणी वरुणम पितरम पससार भगवो ब्रह्मेते एपरि भाव रे श्लोक आरंभ होची सेठी कहउचंते तत् ब्रह्म ताकु ब्रह्म जानो से किए यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त विसंविशन्ति ते तद् ब्रह्म विजिज्ञासस्व जहां ठारु ए समस्त संसार उत्पन्न होउचन्ते यतः एण शब्द को देखंदो जन्मादि
यस्य यतः, अर्थात यस्य जगतः, जो जगतर, यस्य मले ताहर कहर जगतर, जन्म आदि अर्थात जन्म सृष्टि माने जन्म माने सृष्टि स्थिति लय तीनटा जगह सृष्टि स्थिति लय, यतः जो ठारु जन्माद्यस्य अतः गोटे सूत्र अच्छे ब्रह्मसूत्र जन्माद्यस्य अतः सीठ आसीगला जन्माद्यस्य अतः पूरा नहीं गले ब्रह्मसूत्र सूत्र यतः श्रुति माने तैत्र उपनिषद रे भी अच्छी यतो वायमानि भूतानि यतः इमानि भूतानि जायन्ते जन्म स्थिति जातानि जो रहन्ति यतो वायमानि भूतानि जायन्ते येन जीव जातानि जीवन्ति जो जन्म हिचन से रहुचन्ति जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति से जो परमात्मा से किए ना सभी सद्रूप पदार्थ अनुगत अन्वा अन्वयादि तरतः अर्थे भी स्वज्ञ स्वराट से अनुगत अच्छा एवं असत पदार्थ रूप पृथक से असत पदार्थ नहीं यत्र त्रिसर्गो मृषा त्रिसर्ग जो तीन टा सर्ग अच्छी तीन टा जो जन्म मृत्यु ये संसार में जो तीन टा ये पृथ्वी लोको भू भुव स्वह से भीतर मध्य ओमृषा केवे नष्ट हुए नहीं जो ब्रह्म विषय रे आदि कवि माने परमात्मा को से किमिति अर्थे स्वभिज्ञ स्वराट स्वराट माने चैतन्य स्वरूप से चैतन्य स्वरूप से स्वयं प्रकाश से परतंत्र नुह एवं हिरण्य गर्भ ब्रह्मा ठर मध्य परे जहाँ को आदि कवय आदि कवि माने अनुभव करती तीन ब्रह्म हृदय कोटि हृदय रे जहाँ देवता माने मध्य मझेरे मझेरे मोहित ही जानती ब्रह्मा आदि मोहित है जानती इंद्र भागवत वर्णन अच्छी वर्णन अच्छे केमिति ये मोहित केमिति होती जेमिति सूर्य रश्मि रे जल मृग मरीचिकार एग्जाम्पल दो मृग मरीचिकार एग्जाम्पल देखो पानी नहीं केवल सूर्य रश्मि अच्छी किंतु जलर आभास होची सेमती ये जगतटा आभास हो जाऊची परमात्मा ही जगत रूप रे आभासित होचंत आ गोटे एग्जाम्पल जलर स्थलर एवं जेम दुर्योधन महाभारत वर्णन अच्छी से जापार ना से भाविला जल माने जल देखिलानी से स्थल बोली भाविला एवं तले पड़गला पानी रे पड़गला से हसिले जल रे स्थल एवं स्थल रे जल इनटा एग्जांपल दो मृगमरीचिका स्थल रे जल रे स्थल एपरि भाव रे त्रिगुणमयी जो जगत त्रिसर्ग माने त्रिगुणमयी जगत सत्व गुण रज गुण तम गुण आत्मिक जगत जाग्रत स्वप्न सुषुप्त रूपी सृष्टि त्रिसर्ग आदि अर्थ मिथ्या हेले मध्य जो अधिष्ठाता देवता ब्रह्म सी के बेहले नष्ट हुए नहीं सी ब्रह्म को आमे ध्यान करुचु सी परमात्मा को ध्यान करुचु देखो कृष्णम परम धीमहि विष्णु परम धीमहि शिवम परम धीमहि को आगला नहीं सत्यम परम धीमहि गायत्री मंत्र कौन ओम त्रयम ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् धीमहि यान कुरुचो सत्यम परम धीमहि भर्गदेवस्य धीमहि अर्थात समस्त परमात्मन ठारु श्रेष्ठ से किए सत्यम से ही सत्यम देखो जन्माद्यस्य यतः स्टार्टिंग श्लोक बार स्कंदरे तेरह अध्याय पर्यंत अच्छे बार स्कंदरे जमी ए स्कंदरे उन्नीस अध्याय अच्छे द्वितीय स्कंदरे दस अध्याय अच्छे सब छोट ते ए स्कंदरे उन्नीस अध्याय आउ दस अध्याय तो मासेटे भीतर पचीस दिन रे प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद सर भाव तो एणु बार स्कंदर तेरह अध्याय लास्ट श्लोक तेईस
नमामि तम नमामि हरिम परम लास्ट जहाँ को आम ध्यान करुचु से प्रणाम कर प्रथम श्लोक कहले चिंतन कले स्तुति कर सुत महाराज आई आन टाइम अलरेडी पढ़ुं निगम कल्पतर गलित तीन टाइम दुई महात्म्य षष्ठ अध्याय जातु 81 अलरेडी आम देखी जो मैंने कही अच्छी षष्ठ अध्याय 81 रे जातु धर्म सेम श्लोक पढ़ी धर्म प्रोज्जित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां शतम् अर्थात महामुनि वेद व्यास जो श्रीमद भागवत महापुराण मोक्ष फल जो परम धर्म कामना रहित धर्म अर्थ काम मोक्ष मोक्ष ही परम धर्म धर्म अर्थ काम श्रेष्ठ या कले आउ शुद्धांत करण सत्पुरुष माने ये परमात्मा को ही चिंतन करते हृदय रखती अन्यान्य तांकर जो तीनो ताप अच्छी तीनी ताप तापत्रय विनाशाय तीनी तापरु मुक्ति करि दियंती एवं आउ कौन साधना रा आवश्यक थर जने जदि किए भागवत सुनुची आउ किछ आवश्यक नहीं सी पुरुष जी श्रवण इच्छा करुची भगवान कौन कर दे तुरंत आसी जाते तांको हृदय रे बस करते सुश्रुवी विस्तत्क्षणात् सद्य हृदय अवरुध्यते हृदय अवरुध्यते हृदय आसिक रही जाती एवं परमात्मा ये विशेषता जो भागवत हम से दौड़ी दौड़ी आस भगवान कही फिर तीन नंबर निगम कल्प तरुण गलितम फलम सुखमदम भागवत विषय वर्णन रही अलरेडी आम देखी जा हो बर्तमान एगेन स्टार्टिंग आम आगे कौन देखु नैमिष चार नंबर कथा प्रारंभ नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रम स्वर्ग सर्गाय लोकाय सहस्रम सममाशत अर्थात ये नैमिषारण्य रे सुत्य ऋषि शौनक ऋषि आदि समेत गोटे महान सत्र अनुष्ठान करे सत्रर अर्थ मु बुझेथिले कोनोसी जणे पर्टिकुलर यजमान नथिबे काली जन आम डिवोटी मुझे सब जिन ना कहूनी कहीं लगे डिवोटी जाओ इच्छा लगे स्वामीजी के आम गाँव रे भागवत करह ब्रह्मपुर पाखे गाँव ब्रह्मपुर तो माई प्लेस आई कैन गो भावना रखु के कहते यज्ञ सप्ताह भागवत सप्ताह जो संकल्प रही जड़े जजमान रही एवं सप्ताह जितने करेंगे ताद यज्ञ हम जो जड़े भी न करेंगे जब गाँ गहली चंदा करके जो करा जाए सीटा पर्टिकुलर कौन से कामना न थे श्रवण करने यज्ञ हम कि कंटिन्यूस जो चलो सत्र यहाँ सत्र जो मुआ तरफ चली हम सत्र गजपति महाराज बहुत ही कीनली इंटरेस्ट के भागवत समापन पर विवेक चूड़ाम प्रारंभ कल SMS देखते भगवान पड़ता तेणु इमेल देखते कहार बाहुल्य या कहते सत्र गीता आम कले से यज्ञ नुह यज्ञ तो सात दिन सारे गोटे गोटे अध्याय ये हूँ सत्र कंटिन्यूस तेरे शब्द टा देखते आप चार नंबर नैमिषे नैमिषे निमिष क्षेत्र ऋषय सौनुकादय सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्रम सममास अर्थात सेमने निवृत्त है कि सहस्रम अनेक भगवान विष्णु देवताओं को पुण्य क्षेत्र रे नैमिषम कहते निमिष राक्षस को मारते सहस्र वर्ष पूरे होने वाले महान यज्ञ अनुष्ठान कले अर्थात कंटिन्यूस बहुत लंबा यज्ञ करेले तू तदा तु मुनय प्रात हुता हुतग्नय सत्कृतम सूतमासीनम पप्रछो थरे सकल सकल निवृत्त है कि नित्य को कृत्य आदि निवृत्त है कि सूत जी को पूजा कले गुरु को पूजा कले एवं गुरु को आसन रे बसेले एवं आसन रे सूत नट सुखदेव जो पीछे फोटो देखुचंद सेटा सुख परीक्षित संवाद एबे जो मु कहूची सूत अर्थात सूत ही आंक विषय कहे कारण ये जो फोटोटा देखुचंद आपण सुखदेव जी उच्च आसन रे बसचंदे और परीक्षित हाथ जोड़ी बसचंदे ये जो अन्यान साधु संत भीतर सूत भी अच्छा
ସୁତ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲାଣି, ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ବଡ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇ ସେଇ ସୁତ ସିଏ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗର 300 ବର୍ଷ ପରେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ କଲେ ସତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଯେତେ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଗବତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ମାଦ୍ୟଶ୍ୟତଃ, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆରେ କେମିତି କରିଛନ୍ତି, ନମ ହି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ବିଚାରେ ନା ଘଟେ ଜଗତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥ ସେ ଜାଣଇ ସ୍ୱତେ ଯେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଆନନ୍ଦ ମନେ ବେଦ ସାର ବ୍ରହ୍ମରେ ଯେ କଲା ବିସ୍ତାର ଯାହାର ରୂପ ହୃଦେ ଚିନ୍ତି ବେଦ ପୁରସ ନ ଜାଣନ୍ତି ମୃତ୍ତିକା ବିକାର ଯେ ମନ୍ତେ ଜଳରେ ହୁଅ ଇ କଳ୍ପିତ ଜଳେ ଉପଳ ବୁଦ୍ଧି କରି ମୃଗ କୃଷ୍ଣରେ ଜିନେ ବାରି ରୂପ ରୂପ ସ୍ଥିତି ତିନି ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଏଇଠି ନବାକ୍ଷରରେ ପଦ ଆକାରରେ ତାକୁ କେହି ହନୁମାନଜୀ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଣ କଲେ ସୁମିରି ନରହରି, ନରହରିକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ତ ନରହରି ନୃସିଂହ ଭଗବାନ, କାରଣ ଯୋଉ ବିପତ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ହିଁ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଗଲା ପରେ ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ସୁମିରି ନରହରି, ନରହରିଙ୍କୁ ଇଏ ସ୍ମରଣ କରିଦେଲେ। ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି, ସୁମିରି ନରହରି ସ୍ମରଣ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେ କିଏ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ, ଏଇଟାକୁ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିକି କହିଦେଉଛି। ଆଗେ ବଢିବା, ଆଜି 6ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା ପଚାରିବି। ସୁତ ମହାରାଜ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଏମାନେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ପ୍ରଣାମ କରିକି ତାଙ୍କର ଜଣେ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। 88,000 ଋଷି ଥିଲେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ, ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ନାହିଁ, ଇଏ ହଉଛି ଶୁକ୍ର ତାଲ, ପଛପଟେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଶୁକ୍ର ତାଲ, ମାନେ ଯୋଉଠି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପ୍ରାୟୋପବେଶନରେ ବସିଥିଲେ, ସେଇ ଯୋଉ ଶୁକ୍ର ତାଲରେ ଏଇଟା, ସେଇଟା ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ଏବେ ଠିକ ହେଲା, ଏବେ ଠିକ ହେଲା ନା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଥିଲା? ତେଣୁ 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆଜି ଆମେ ପଢିଦବା, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଟପିକକୁ ଆସିଗଲିଣି। ସୁତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆଜି ହଉଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ପୂଜା କରୁ। ତେଣୁ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତେଣୁ ପୂଜା କଲା ପରେ 6ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦର 9 ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର 11 ନମ୍ବର 12 ନମ୍ବରରେ 1, 2, 3 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆଗ ଛାଡ଼ିଦବା। ତତ୍ର
तत्रत्रांजसायुष्मन् तत्रत्रांजसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितम् भवता यद्विनिश्चितम् सामेकान्ततश्रेयः सामेकान्ततश्रेयः संशितुमर्हसि तन्न संशितुमर्हसि प्रायेणाल्पायुषसभ्यः कलावस्मिन् युगे जनाः कलावस्मिन् युगे जनाः मन्दा सुमन्दमतयः मन्दा सुमन्दमतयः मन्दभाग्याहुपद्रुताः मन्दभाग्यहुपद्रुताः भूरीणि भूरि कर्माणि भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः श्रोतव्यानि विभागशः साधोत्र यत्सारम् अतः साधोत्र यत्सारम् समुद्धृत्य मनीषया समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहीन श्रद्धधानानां ब्रूहीन श्रद्धधानानां संप्रसीदति येनात्मा संप्रसीदति जानासि भद्रं ते सूत जानासि भद्रं ते सात्वतां पतिः भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य देवक्यां वसुदेवस्य यस्य चिकीर्षया जातो यस्य चिकीर्षया तीनटा प्रश्न वर्तमान आम पढ़ले फर्स्ट प्रश्न मन रखता जो मैं नोट कर मन रखता हूँ फर्स्ट प्रश्न सहज साधन कौन नंबर वन नौ नंबर अच्छे कि अनेक साधन अच्छी आपण कली जुगरे लोक मान जीव को परम कल्याण शास्त्र अनेक शास्त्र रही पुराण रे गुरुजन उपदेश रे सहज साधन जानिया चाहू मान साधन साधन माने भक्ति ज्ञान कर्म योग जप कीर्तन पूजा तीर्थ से भितर सहज साधन कौन ये अध्याय कहते प्रश्नाध्याय कारण छटा प्रश्न अच्छे ये छटा प्रश्न को आधार नहीं कि ही सारा भागवत हो छटा प्रश्न रु सी कहीदेवे हाँ जा हो अपने बहुत सुंदर प्रश्न पचारे सुखदेव जी मध्य पचार थिले पड़े कारण सुख को प्रणाम कर सुखदेव नमस्य गुरु मध्य सुखदेव जो प्रवचन कर तले परीक्षित सहित बस कि ये शुणुले बाकी तो सब साधु सन्त जावास कर समस्त भोक लगुच रेस्ट दरकार आंकु ही भोक लगुनि यशोत महाराज को अभिशाप बर पाई बलराम को प्रणाम कर श्लोक देखा आग छा प्रश्न देखिए तीन टा प्रश्न नंबर हूँ सहज साधन नंबर टू हूँ अनेक शास्त्र अच्छे वेद शास्त्र आगम निगम अनेक शास्त्र आमको शास्त्र सारा कहते ये जो कली जुगरे ना मंद सुमंद बुद्धि बहुत मंद थाए भाग्य मध्य मंद समझ मध्य बुद्धि मध्य मंद एथिपाई सब जिनस उल्टे हबनी सागर सी तेणु समस्त शास्त्र सारटा कहते गोटे शास्त्र पढ़देले मान से आमर दरकार आम जाना चाहिए नंबर दुई गला नंबर तीन बहुत इंटरेस्ट अच्छी भगवान कृष्ण जन्म विषय मुझे जाना चाहिए भगवान कृष्ण आविर्भाव विषय जाना चाहिए नंबर वन सहज साधन नंबर टू शास्त्र सार नंबर थ्री कृष्ण जन्म देखते जदि आम ओडिया को देखा ओडिया को आम कनेक्ट करदे मुझे बुझे दौचे निश्चय कांत श्रेय जेते ए जीव तरी बजे मंदे जने जेने तूटई विष्णु माया कहो आंभ को जीवे दया एकली जुग जेते प्राणी
अल्प आयुष परमाणि स्वभावे मंद मति हंते प्राणी का उपद्रव चिंती। ये एक नंबर श्लोक माने प्रश्न है गला कौन आपण आमको साधना विषय कहते निश्चय कंत श्रेय जेते ये जीव तरी बजे मंते। ये जो श्रेय साधना आम कहते दुई नंबर रे कौन कहले जगन्नाथ दास बढ़िया सुंदर रे सकल धर्म तुम्हें जानी ता पूर्व अच्छी जुग बे भारे परमाणी सकल धर्म तुम्हें जानी जे धर्म शुभ तुम मते जार उद्धार दृढ़ चित्ते कह संसार प्राणी कर हे मंते मायारु निस्तार। अर्थात शास्त्र सार कुंद मते तीन नंबर की प्रयोजने जगन्नाथ देव की उदरे संभूत से हेतु कह शुद्ध चित्ते अम्भे पचारु जन हिते। अम्भे माने सौनक जनहित पाई कौन से निज स्वार्थ पाई हम पचरनु कौन जो जगन्नाथ जगन्नाथ माने परमात्मा जगन्नाथ दास लिखुचन ना मुझे जीवन विषय कहीदेवि तेना जगन्नाथ दास लिखुचन जो परमात्मा विष्णु जगन्नाथ की प्रयोजन जगन्नाथ देव की उदरे संभूत से हेतु कह शुद्ध चेते मु सार हेतु दिव्य जन्मर कारण मुझे जानवाई चाहे चतुर्थ कौन पंचम कौन षष्ठ कौन मु जगन्नाथ दास कहते मूल श्लोक जी जे हरि ब्रह्मांड भीतरे लीलास रागे अवतरे विश्व उत्पत्ति स्थिति नाश की रूपे करे ता प्रकाश। चतुर्थ होचि अन्यान्य अवतार मध्ये हम जानिया पाई चाहु अवतार विषय रे हम जानो अन्यान्य अवतार। फिर पंचम होचि कोन विह बिहरे अवनि मंडले से हरे स्वध शुभ कथा कह हे सुत धर्म ज्ञाता। अर्थात ये संसार रे अनेक जन्म से कर्म कर शुद्ध कर्म दिव्य कर्म कर जाना चाहिए अनंत संगे थाई हरि जगते जेते कर्म करी कपटे नर रूप धरी अतिमानुष कर्म करी अतिमानुष कर्म दिव्य कर्म कर दिव्य कर्म जाना चाहते। एंड लास्ट हूँ भगवान कुआडे गले कलिया भगवान कमिले अपना भुवन जे धर्म संसारे रखिब से कहीं शरण पशिब। बहुत ही सुंदर एटा बढ़िया लिखे भगवान चली गले ये धर्म टा रहिब केमते कोठ रहिब सेटा हमें जानिया पई चाहौ। तेणु मूल जो संस्कृत राम पढ़दबा श्लोक होची सतर अठर तेईस सतर रे चार नंबर अठर रे पांच नंबर तेईस रे छह नंबर। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहीन श्रद्धधानानां अवतार कथा शुभाः लीला विदधत स्वैरम् ईश्वरस्यात्ममायया ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे। वयम तु 19 नहीं 19 छोड़ दो। अच्छा लाइन भी पढ़ो बहुत इंटरेस्टिंग है। वयम तु न तु वितृप्याप वयम तु न वृत्तप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे रसज्ञानं
स्वादु पदे पदे स्वादु स्वादु पदे पदे योगेश्वरे कृष्णे ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे धर्मवर्मणि ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि काष्ठम् अधुनोपेते स्वाम काष्ठम् अधुनोपेते धर्मकः शरणं गतः धर्मकः शरणं गतः। चतुर्थ नंबर प्रश्न होची दिव्य कर्म तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरवि ब्रूहि नह नह माने आम मानको कोहंतो लीलया ददत कला जो लीला कले जो अनेक कर्म आमे जानिया पई चाहो नारद आदि सी कर्म रे उदार गान करछंदे सेटा आमे जानिया पई चाहो। पंचम प्रश्न होचे अनेक अवतार आउरी भी अवतार केवल कृष्ण को अवतार नहीं आज्ञा 24 टा अवतार अछि भागवत पूरा 24 टा अवतार से 24 टा अवतार मध्य आमे जानिया पई चाहो यथा छाई हरि धीमन अवतार कथा सुवा तापरे ये 19 नंबर टा बहुत सुंदर टा कोण वयम तु न पितृप्याव आमे आउ माने तृप्ति होने हमरा आमे सुनिया पई चाहो छु कंटिन्यू आम मानकर तृप्ति रो अवसाद जेंते सुंदर वस्त्र अवसाद नाय जेते देखता हो नुआ देश सेमिति आमे आउरी चाहो छु कोण पितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यस्रु श्रुणवंतम रसज्ञानम जहार सुनी की नए नए रस का अनुभव हुए पद पद पर पदे पदे स्वाद स्वादु पदे पदे मन रखा प्रत्येक पद रे प्रत्येक पद अर्थ प्रत्येक क्रम रे पद माने प्रत्येक शब्द रे ही स्वाद स्वादु श्रोता को पद पद पर माने प्रत्येक पद रे प्रत्येक घटना रे प्रत्येक स्थान रे प्रत्येक क्रम रे ही मिले ही स्वाद स्वादु जेते आहुरी आनंद मिले तेणु ये होची आमे सुनिया पई चाहौचो। आउ प्रभु षष्ठ प्रश्न लास्ट प्रश्न होची कोन ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे आमे सुनिलु भगवान कृष्ण जेतले निजर धाम पळै गले सेतले धर्म को कोठी रखे कलि युग रे तो अधर्म बेसी होची तो धर्म कहार शरण रे कले से कोन कले केंति कले ऑलरेडी क्वेश्चन ही जाई सुंदर आर उत्तर वर्तमान टोटल देखियौ गले सारा उत्तर ही भागवत मन रखे ये सिक्स क्वेश्चन पैनल या फिर सुत महाराज सुखदेव रेफरेन्स देवे आरंभ करें कल आम द्वितीय अध्याय प्रारंभ करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।